जब एन का वैल्यू वन होगा तो आपको मालूम है जब एन का वैल्यू वन होता है तो एल कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक डिफाइंड होता है। तो जब एन का वैल्यू वन है तो एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू सिर्फ जीरो होगा। जब एल का वैल्यू जीरो होता है तो हमने कौन सा सबसेल पिछले क्लास में देखा था, यस सबसेल देखा था। जब एल का वैल्यू जीरो था तो यस सबसेल होता है, ठीक है। और एम का वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एल का हो गया, एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक। और जब एल का वैल्यू ही जीरो है तो एम भी जीरो हो जाएगा। तो जो वन यस ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा दिखेगा जिसमें क्या होगा, एम का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एन इक्वल टू टू के लिए तो एन इक्वल टू टू के देखो जीरो तो है, एल का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है जीरो के में, तो जीरो तो सब में आएगा हर एक एन के लिए, तो जीरो तो हमेशा लिख ऐड लिखो, जीरो तो हो गया। अब एन का वैल्यू यहाँ पे टू रखोगे, टू माइनस वन वन आया, टू जीरो भी आएगा वन भी आएगा। अब टू रखो, टू माइनस टू जीरो आ जाएगा, तो हटा दो। जब एल का वैल्यू जीरो है तो हमने कौन सा सबसेल बोला, यस सबसेल बोला। जब एल का वैल्यू वन है तो हमने कौन सा सबसेल बोला, पी सबसेल बोला, ठीक है। तो जब यस है तो यम का वैल्यू जीरो, क्योंकि यम कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस एल से प्लस एल तक, ठीक है। और जब यल का वैल्यू वन है तो यम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये यल है ना, माइनस वन से वन तक, माइनस वन जीरो और वन, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, टू यस टू पी, ये टू पी का सबसेल है। जब टू पी का हमने सबसेल बनाया और इसको तीन ऑर्बिटल में तोड़ा, ये तीन ऑर्बिटल में तोड़ा तो तीनों के यम का वैल्यू अलग अलग है, तीनों के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू अलग अलग है। क्लियर हो रहा है ना, अब ठीक है। एक बात और देखो, जब यन का वैल्यू टू है तो यल का वैल्यू दो आएगा, दो वैल्यू आएंगे, एक जीरो एक वन। जब जीरो है तो यस सबसेल, जब वन है तो पी सबसेल। जब यल का वैल्यू जीरो है तो यम भी जीरो है, जब यल का वैल्यू वन है तो यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस यल से प्लस यल तक। तो माइनस वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा। यम का वैल्यू हमेशा देखो, सेल सबसेल ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर ही होगा ना, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, यही ना होगा। सेल सबसेल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक की हम बात कर रहे हैं तो वो निगेटिव भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो निगेटिव का मतलब ये नहीं कि निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब ये कि वो एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, निगेटिव का मतलब ये है। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड 12 में पढ़ा था कि दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिखते थे, एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन, मैग्नेटिव टू सेम है, लेकिन ये निगेटिव क्या बताता था डायरेक्शन के बारे में, कि अपोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। उसी प्रकार ये है, निगेटिव का मतलब ये नहीं कि निगेटिव है, निगेटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही होगी, किसके लिए, इस वाले ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यन इक्वल टू थ्री के लिए, बात करें अगर यन इक्वल टू थ्री के लिए तो आपको मालूम है कि यल का वैल्यू कहाँ से डिपेंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन के। और आपको ये बात तो पिछले क्लास से पता ही है कि यल का वैल्यू हमेशा जीरो वन टू थ्री यही होता है, निगेटिव यल का वैल्यू कभी नहीं होता, ठीक है। तो यन इक्वल टू थ्री रखोगे तो आ जाएगा थ्री माइनस वन टू, जीरो तो हमेशा आएगा, थ्री माइनस वन टू भी आ गया, वन क्यों आया, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, तो दो पॉइंट के बीच में जो नंबर होगा वो भी आएगा। तो जब यल का वैल्यू जीरो है तो यस सबसेल, जब यल का वैल्यू वन है तो पी सबसेल, जब यल का वैल्यू टू है तो कौन सा सबसेल, डी सबसेल, सही बात। हम बात करेंगे यम की, यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है डिफाइंड, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यल से लेके लेस देन इक्वल टू प्लस यल तक, ठीक है। जब यल का वैल्यू जीरो तो यम का वैल्यू भी जीरो, जब यल का वैल्यू वन तो पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन जीरो और वन। ये क्या है, ये थ्री यस है, ये थ्री पी है, थ्री पी सबसेल है, थ्री पी सबसेल में इसका माइनस वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका जीरो, इसका प्लस वन। अगर हम यल का वैल्यू टू है तो यम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस टू से लेके प्लस टू तक, उसके बीच में जितने हैं वो भी आएंगे। तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, कौन सा सबसेल, डी सबसेल, पांच बॉक्स बना लो। डी सबसेल किस क्या होता है, पांच बॉक्स का होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, और पांचों को तोड़ दोगे तो क्या बन जाएंगे, पांचों अलग अलग ऑर्बिटल बन जाएंगे, हमने पिछले ही क्लास में देखा था, ठीक है। तो सबका क्या है, यम का वैल्यू अलग अलग है, इसका माइनस टू है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर।